ये देखो भाई, ये क्या कर दिया मैंने, बहन चोद। हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो, अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि पेंटा साइकिल बनाना इतना मुश्किल भी नहीं था, पर माइंड फकिंग तो सीरियसली था ही। लास्ट एपिसोड देखे हो तो फिर मैंने कबाड़ी स्टोर में जाकर दो और पहिए लेकर आया था, बिकॉज तीन पहिए तो ऑलरेडी मेरे कार्ट में थे ही। तो वो पहिए को लेकर आने के बाद मैंने उसके साइकिल रिपेयर शॉप में उसको रिपेयर करने के लिए दिया और फिर रिपेयर किया। और रिपेयर करने के बाद जो मुझे लंबा चेसिस चाहिए था और चार व्हील्स अटैच करने के लिए, तो मैंने सोचा कि भाई कार्ट में जैसा ही है वैसा ही चेसिस में पिट कर बनाऊंगा। तो मैंने फलाम खरीद कर, वो 17 kgs था टोटल वो उसका वेट, और मुझे टोटल प्राइस पड़ा 120 rupees kg, विच इज़ 1800 rupees मुझे पड़ा था, अराउंड 1800 rupees पड़ा था। तो उसको लेकर जाकर मैंने पीटा, ठीक है, फलाम में जाकर पीटा। जो पीटने के बाद उसका भी प्राइस पड़ा था मुझे 900 rupees। और पीटने के बाद भाई मेन चैलेंज ये था कि आई एम गोना ऐड लाइक टू व्हील्स बिहाइंड, राइट, फोर व्हील बिहाइंड्स, बट इट इज़ गोइंग टू टर्न इन अ रोड और नॉट, लाइक दैट वाज अ वेरी क्वेश्चनिंग। तो आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आई डोंट हैव ऑटोमोबाइल्स नॉलेज हाउ इट वर्क्स एंड सच थिंग्स। मैंने थोड़ा बहुत गूगल में सर्च किया और फिर यूट्यूब में भी देखा, भाई पेंटा साइकिल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब जो तरीके का, जो डिज़ाइन का पेंटा साइकिल मैंने बनाया है वो तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो प्रॉब्लम क्या है था कि जो वो जो चार चक्के वाला ठेला होते ना, उसका जो रेडियस होता है वो नहीं होता है, टर्निंग रेडियस ज़ीरो, उसको एकदम से जो चटपटी पानीपुरी बेचते ना वो, हाँ वही ठेला का बात कर रहा हूँ मैं, उसका टर्निंग रेडियस नहीं होता है। उसको टर्निंग करने के लिए वो पीछे से उसको लिफ्ट करना पड़ रहा है, या फिर उसको लिफ्ट करके उसको मोड़ना पड़ता है, तो ही टर्निंग लेता है।
तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज क्या था कि भाई आई एम गोना ऐड लाइक टू मोर व्हील्स बिहाइंड विच इज़ 5 व्हील्स. सो द बिगेस्ट चैलेंज एवर इज़ लाइक टर्निंग लेगा या नहीं लेगा. तो मैंने ट्रक में देखा लाइक हाउ इट वर्क्स राइट एंड गैदरिंग सच काइंड ऑफ नॉलेज. फाइनली आई फिगर आउट कि वो दो पहिए लिटिल क्लोजर एंड आगे के पहिए से थोड़ा डिस्टेंस में होना चाहिए. तो मैंने मेरे पास मेजरिंग टेप भी नहीं था और मैंने ऐसे हाथ के वो नाप से यू नो हाँ आगे के पहिए से पीछे का पहिए 5-6 का डिस्टेंस में और लाइक फिर ऐसे ऐसे करके मैंने रफ फिगर बनाया और मेरे खुद के नोटबुक में वो यू नो ड्राइंग किया और फिर मैं चला गया उसको बनाने के लिए. ये देखो भाई, ये क्या कर दिया मैंने बहन चोद. इसको क्रॉस किया यहाँ से लेकर, और यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ से मुझे पुश नहीं मिला तो लिटरली बैक किया, बैक करते वक्त यहाँ पे गिर गया भाई. इट इज रियली हार्ड टू पुल मैन, कम ऑन लेट्स गो बेबी. और हाँ, जो मैंने वो फायर में लग कर उसको पीटा था भाई, उसने कुछ काम ही नहीं दिया. वो तो लाइक बनाते बनाते टूट ही गया. लाइक पीछे वाले में स्प्रिंग्स तो ऐड कर सकते थे पर वो खर्चा बहुत ही निकल रहा था मेरा. तो आगे वाले में तो सस्पेंशन नहीं रखना चाहिए, स्प्रिंग रिंग रखना चाहिए, बिकॉज वो जो लाइक रोड का सर्फेस होता है ना, वैसे ही तो बैलेंस मिलता है ना. तो जो चैन है एक्सल में जुड़ा हुआ, वो चैन उतर जाएगा ना, मतलब हाँ वही प्रॉब्लम था. तो मैंने आगे के पहिए में तो सोचा ही नहीं था और पीछे के पहिए में मैं ऐड करने वाला था, पर भाई खर्चा बहुत निकल रहा था बिकॉज मेरा 3000 का लॉस ऑलरेडी हो चुका था. जो मैंने चेसिस बनाया था उसको 900 रुपीज़ एंड लाइक 1800 रुपीज़ एक्सपेंस किया था मैंने, मेरा 3000 रुपीज़ ऑलरेडी लॉस हो चुका था. तो फिर मैंने दूसरा फ्रेम लेकर, दूसरा उससे बढ़िया फ्रेम लेकर वहाँ पे वेल्डिंग किया. और वो जो गैरेज वाला था उसको भी इतना आइडिया नहीं था भाई, भाई आइडिया ही नहीं था. मैं तो बहुत ने इग्नोर किया कि भाई ऐसा बनाना है, बना दो प्लीज़ करके मैंने बोला था बहुत सारे यहाँ पे लोकल स्टोर्स पे, पर किसी ने भी नहीं माना बिकॉज़ उन्होंने बोला कि भाई आइडिया नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं. ठीक है, मतलब आपने जस्ट नॉर्मली ट्रक को देखा और फिर आप यहाँ पे आए वो डिज़ाइन लेकर, मतलब ऐसे नहीं होता है. बाद में फिर वो ट्रेनिंग नहीं लिए तो मतलब आपका भी पैसा नुकसान और हमारा भी, मतलब क्या ही कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे बोला था. और लेटर ऑन मैंने खुद डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, रिक्स मैं ही लूँगा, लाइक वाट एवर डिज़ाइन वाट एवर आइडियाज़ मैं ही लेकर आऊँगा. ऐसा तो मतलब इतना परफेक्ट भी नहीं था. ठीक है, आई डोंट नो मैन, जस्ट मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ पॉसिबली कैन आई डिज़ाइन एंड क्रिएट अ कैंपर फॉर माई सेल्फ सो दैट इट विल बी ईजी इन कमिंग डेज ड्यूरिंग माई शोज, दैट आई डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन जस्ट इन सर्च ऑफ रूम एंड ट्रैवल यू नो रेंट जस्ट लाइक दैट. सो वही था प्रॉब्लम. तो अभी हाँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो अभी तक तुम लोगों ने देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.
ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट वन थिंग इज़ लाइक आई वॉज फेसिंग काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो दिस इज अ टाइप, यू नो दिस इज अ टाइप ऑफ ए सोल्यूशन दैट आई केम ऑफ फिगरिंग आउट. तो ठीक है, मतलब मेरा प्रॉब्लम है, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉर्ट माई प्रॉब्लम ऑफ, राइट? सो दिस इज़ वाई आई बिल्ड पेंटा साइकिल.